फैसलाबाद के लोग ही यहाँ पर फिश खाने आते हैं या और मुख्तलिफ शहरों के लोग भी यहाँ पर फिश खाने आते हैं? भाई जान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से यहाँ ना लोग फिश खाने आते हैं, कराची से, सियालकोट से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, तकरीबन हर शहर से फिश खाने के लिए लोग आते हैं। जिन जिनको पता लगता है वो फिश खाने के लिए लाजमी आते हैं। मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए मैं यहाँ से फिश खा रहा हूँ, मतलब ना 7 साल से यहाँ मैं आ रहा हूँ फिश खाने। तो कैसा टेस्ट है इनका? इनका टेस्ट 7 साल से सेम ही लग रहा है, मतलब जब भी आते हैं दिल करता है बार बार ये फिश खाएँ हम। तो बहुत ही मशहूर दुकान है, तो आज मैं आया था। मशहूर दुकान है, अभी ऐसी जब फर्स्ट टाइम सुना था यहाँ पे आए थे, देखा था काफ़ी रश था लोगों का, फिर जैसे हमने खा लिया फिर हम भी इनके दीवाने हो गए हैं फिश खाने के। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दिलशाद एंड यूर वाचिंग दिलशाद मुश्ताक व्लॉग। गाइस आज मैं आया हूँ फ़िश खाने, ये घंटाघर चौक बुआना बाज़ार में ये फ़िश शॉप है, इसका नाम है जलंधर फ़िश एंड बारबेक्यू। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने कहा फ़िश खाते हैं, तो बहुत ही मशहूर और मरूफ ये दुकान है। अब फैसलाबाद में काफ़ी फूड पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, तो आज मैं स्पेशल आया हूँ यहाँ पर जलंधर फ़िश शॉप को कवर करने हैं। तो चले आए इनसे बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी फ़िश अवेलेबल है, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी गाइस, ये शॉप के ओनर हैं, तो इनसे बात करते हैं कि कितनी पुरानी इनकी माशाल्लाह दुकान है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये माशाल्लाह कितनी पुरानी दुकान है जलंधर फ़िश ये शॉप का? माशाल्लाह बहुत नाम सुना है फैसलाबाद में, अगर फ़िश खाने की बात आए तो जलंधर फ़िश का नाम जो है ना वो बहुत माशाल्लाह मशहूर मरूफ है। तो आप ज़रा बताइएगा कि ये कितनी पुरानी दुकान है? भैया ये माशाल्लाह जब से पाकिस्तान के बाद की ना ये दुकान है, जब से पाकिस्तान बना है। पहले हमारे बड़े होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, वो यहाँ और भी चीज़ें होती थी, समोसे वगैरह, पकौड़े वगैरह, ये भी चीज़ें सेल होती थी यहाँ। जो हमारे पुराने कस्टमर हैं खाने वाले, उनको सबको पता है। तो इसके बाद फिर आस्ता आस्ता साथ में तब भी फ़िश थी, अब फ़िश का ज़रा लोगों को ज़्यादा रुझान हो गया है, तो माशाल्लाह फ़िश का काम है तब से। अच्छा, आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक। तो कौन कौन सी फ़िश यहाँ पर अवेलेबल है और लोग कौन सी फ़िश ज़्यादा शौक़ से खाते हैं? हमारे पास रोहू होती है, बाम होती है कांटे वाली, बगैर कांटे के सोल का फिंगर और टिक्का, ज़्यादा लोग बाम लाइक करते हैं। फैसलाबाद के लोग ही यहाँ पर फ़िश खाने आते हैं या और मुख्तलिफ शहरों के लोग भी यहाँ पर फ़िश खाने आते हैं? भैया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से यहाँ ना लोग फ़िश खाने आते हैं, कराची से, सियालकोट से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, तकरीबन हर शहर से फ़िश खाने के लिए लोग आते हैं। जिन जिनको पता लगता है वो फ़िश खाने के लिए लाजमी आते हैं। अच्छा, आपकी कोई और भी ब्रांच है इसके अलावा भी कोई फैसलाबाद में? हमारी एक ये ब्रांच है, एक हमने कोहिनूर सिटी में बनाई है जो अभी 2 दिन पहले इफ्तिताह किया है उसका। फिश आपको कैसी लगी और कौन सी फिश खा रहे हैं आप? ये रोहू खा रहे हैं। रोहू खा रहे हैं जी। और यहाँ का फैसलाबाद से ही आप? मैं लाहौर से। आप लाहौर से हैं, स्पेशल यहाँ पर फिश खाने आए हैं? स्पेशल दोस्त लेके आया सब फिश। सही हो गया। तो कैसा रहे, इनकी अच्छी है फिश इसलिए इधर आ गए हम खाने। लोगों को खाते हुए देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो अभी मैं जाऊँगा और ऑर्डर करूँगा और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगा कि फ़िश का टेस्ट कैसा था।
तो जी गाइस फाइनली ऑर्डर आ चुका है और ये देखें मैंने फ़िश मंगवाई है, ये बाम है और ये रहू है। तो अब मैं टेस्ट करने लगा हूँ। सबसे जो मेन बात है ना जलंधर फ़िश वालों की वो ये है कि ये चटनी है, ये फ़िश आती नहीं है, उससे पहले ये दो दफ़ा बंदा पी लेता है। तो बहुत ही मज़ेदार ये चटनी है। ये देखें एक पुदीने की चटनी है और ये इमली आलू बुखारे की एक चटनी है। तो अभी मैं टेस्ट करने लगा हूँ। नान के साथ ट्राई करता हूँ गाइस, बहुत ही नरम नान है। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अब मेरा वीडियो बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।